हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जा रहे हैं बाल शोध के लिए ग्राम नाला में। बाल शोध का हमारा टॉपिक है गांव के घर। थोड़ा सा हम बाल शोध के बारे में जान लेते हैं। बाल यानी बच्चे और शोध यानी खोज। तो बच्चे किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या उस टॉपिक से संबंधित जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को बनाते हैं और उनका सॉल्यूशन यानी उनका आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गांव के घर। तो गांव के घरों के बारे में बच्चों ने अपने क्वेश्चंस बना रखे हैं और सारे क्वेश्चंस के आंसर वो लोग गांव वासियों के माध्यम से प्राप्त करेंगे। गांव में घर मतलब कैसे कैसे बनते हैं? गांव में घर कैसे बनते हैं? बेटा गांव में घर पहले तो पत्थर और मिट्टी से बनते थे। राजमिस्त्री के जमीन को पत्थर चुनाई करते और चुनाई में मिट्टी का प्रयोग करते तब दीवार खड़ी करते थे। उसके बाद छाने के लिए उसको छत बनाने के लिए लंगोटे बोलते थे, लकड़ी के लंगोटे है, लंगोटे रखते दीवार में। लंगोटों के ऊपर कुर्रा कुर्रा पकड़े लकड़ी के बारी के लकड़ी उनको ठीक करते थे। उसके ऊपर मिट्टी रखते और फिर मिट्टी के ऊपर पत्थर पटारे पे ढालदार छत होती थी और घर जो है आरामदायक होते थे। गर्मी में ठंडी ठंडी होती थी। लेकिन आज के समय में बदलते आज देखो गांव में भी सीमेंट सरिया और सीमेंट के बन रहे, लिंटर वाले बन रहे हैं, अधिकतर बन रहे हैं। अधिकतर आप पटा लो कि बहुत कम लोग कर रहे हैं कि ना के बराबर कर रहे हैं। जो पहले के मकान है वो तो है ही पटा लोगे, लेकिन नए घर जो आज के समय में जो है सरिया सीमेंट के बन रहे हैं। ठीक। जो लोग घर बनाते हैं उनको कितना समय लगता है? लगभग घर की के आकार लंबा घर होगा बड़ा घर होगा तो बड़ा समय लगेगा, अधिक समय लगेगा। छोटा घर होगा दो दिन में निकल बन जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न, घर बनाने में लगभग कितना खर्चा होता होगा? अब वो घर का आकार जैसे छोटा घर होगा खर्च कम होगा, बड़ा घर ज्यादा लगभग 7-8 लाख के करीब में ठीक काम कर लेंगे। एक घर बनाने में किन किन चीजों का प्रयोग होता है? घर बनाने में इनको सरिया सीमेंट मिलाते हैं रेता कंक्रीट के साथ। तो रेता कंक्रीट और सीमेंट और उसके साथ सरिया ये सारे सामग्री होती है। ईंट भी होती है, ईंट से जो दीवार बनते हैं ईंट से होती है। हाँ घर बनाने के लिए सामान लाते हैं। सीमेंट वाला घर बनाना है, लिंटर वाला घर बनाना है तो बाजार सरिया सीमेंट ईंट सब बांस में रामनगर का हम लोग रामनगर से ठीक ईंट भी देता भी सीमेंट भी कर देते हैं। अगला प्रश्न, गांव में घर कौन बनाता है? गांव में घर में रात मिस्त्री। गांव में मिस्त्री कहाँ से आते हैं? कुछ लोग बने हैं कुछ बाहर कुछ मजदूर जो है बाहर से मान पड़ते हैं और कुछ मजदूर गांव में जाते हैं। ठीक हो गया। घर में दरवाजे कैसे बनाते हैं? घर में दरवाजे बनाने के लिए लकड़ी इमारती लकड़ी का प्रयोग। दरवाजों के लिए लकड़ी कहाँ से आते है? आती है दरवाजों के लिए लकड़ी जो है आज आती है। ये राम जहाँ फर्नीचर का काम होता है। घरों की छतें कैसी होती है?
घरों की छतें आज तो सम होती है, लीटर वाले जो मकान है। में घर कैसे बनते और अब कैसे बनते हैं? पहले जमाने में घर जो है पत्थर के मिट्टी के बनते थे, ईंट लोहा सरिया सीमेंट पत्थर देता। ठीक। घरों में खाना कैसे बनता है? हमारे घरों में पहले क्या होता था, लोग जंगल से लकड़ी लाते थे काट के, ज्यादातर महिलाएं लकड़ी लाते थे काट के जंगल से, फिर चूल्हे में उनको जलाया जाता था। चूल्हे में जलाने के लिए चूल्हे के ऊपर ही दो लकड़ी जैसे लगा देते थे, उनमें जो है लकड़ियां रखती थी समझ रहा, तो उससे लकड़ियाँ क्या होता है नीचे से जो आग जल रही थी वो ऊपर की लकड़ियाँ गर्म होती थी और सूखती थी, फिर ऊपर से लकड़ी निकाली और नीचे जला दिया। तो कितना दिमाग था मतलब पुराने लोगों का भी, ये दिखे ना इस प्रकार से, ये भी एक विज्ञानी था कि हम ऊपर लकड़ी कर देते थे नीचे से खाना भी बनता रहता था, ऊपर से लकड़ी भी लगती रहती थी। हाँ सुनिया, इसके बाद कुछ बाद हमने ये भी देखा कि सरकार ने बना धुआं रहित चूल्हा बनाया, तो उसमें लोगों को रोजगार भी मिला था, एक धुआं रहित चूल्हा भी बनाया था ऊपर, उसमें क्या होता था कि ये चिमनी सी ऊपर को धुआं बाहर में आ जाए उसमें, ये इस तरह से खाना उसमें बनाया जाता था। अब तो आप जानते हो गैस आ गई है तो गैस में खाना बनता है, स्टोव आई है उसके बाद, हाँ उसके बाद लोहे का स्टोव आया शुरू में, उसमें पेड़ लगाने के लिए मिट्टी के तीर से चलता था, उसके बाद पित्तल का स्टोव आया, पित्तल के स्टोव में हवा भरते थे, हवा तो उसमें धोई जाती थी, तो पित्तल के स्टोव थोड़ा महंगा होता था, लोहे का फिर थोड़ा सस्ता होता था, तो उसमें लोग फिर खाना बनाते थे। ठीक है ना, एक चीज और बताओ, मैं घर कैसे होते हैं जानवर? हमारे यहाँ तो गौशाला बोलते हैं, छन बोलते हैं, छनपदी का छन बदी, तो कच्चा टाइप को हल्के बनाते हैं, कच्चा टाइप का होता ना थोड़ा। हाँ ठीक है ना, और वो उसमें ज्यादातर क्या होता है पुताई नहीं करते हैं, वैसे रखते हैं, उसके दरवाजे के ऊपर एक हवा जाने के लिए एक और बना देते हैं छोटा सा छेद जैसा, उसमें भी रोशनदान कुंडी लगा देते हैं अंदर से बड़ा सा एक डंडा, ताकि कोई जानवर उसको न कर सके, खोल न सके। ठीक। इसका जो है गौशाला का दरवाजा थोड़ा छोटा होता है ना, उसके गाँव में यहाँ पहाड़ में तो हम पहले तो एक मिलियन के मकान हुआ करते थे, धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ आदमी का, आदमी के पास पैसा आने लगा, उनके यहाँ वो खाली खेती पर रहते थे, मजदूरी के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था जंगलों में, मतलब आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, तो एक ही तल का मकान बनता था। अब जैसे जैसे पैसा आया आर्थिक स्थिति बढ़ती गई, तो दो दो मंजिल लगाए, अब कहीं कहीं तीन मंजिल भी, हमारे गांव में तीन मंजिल मकान भी, दो मंजिल भी है, हमें भेजा औसत के नीचे, तो औसतन और भी कई जगह है यहाँ बड़े बड़े गाँव है, जहाँ थोड़ा लोगों का कोठा बनता है, तो मैंने भी बहुत कम देखा, वो तुम कहीं जाओगे देखोगे तो वो तो बड़ा कठिन लगेगी उसका के बारे में, हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ उसको देख कर, बहुत तरतीब से बनता है और बहुत महंगा भी बनता है। ठीक। घर की फर्श कैसी होती है? घर की घर यहाँ पहाड़ों में घर की जो वो कच्ची होती है, मिट्टी है, मतलब मिट्टी की बनी होती है, लेकिन उसको क्या है वो ठीक से दबा के रखते हैं उसको, और उसके बाद उसको लिपाई पुताई होती है उसको गोबर और मिट्टी से। तो यहाँ पे काम भी चल रहा है घर बनने का, ने
सुन लो बेटा, गांव में घर कैसे बनते हैं? गांव में घर जो है पत्थर के बनते हैं, पत्थर के बनते हैं, मिट्टी के बनते हैं गांव में, है ना? ठीक। जोर से मकान की जो है ना खुदाई करनी है, जिस तरह का मकान बना है वैसे पहले खुदाई करनी है, उसके बाद पहाड़ में ऐसा। अब बोलो काम करते रहो। हाँ, हम ये पटखाट बना रहे हैं, पक्का लकड़ी, जैसे इसमें बैठ रखे हैं यहाँ पीछे, जैसे पीछे बैठ रखे हैं ना, हट्टा बोलते हैं इसको। बोलो, ये लकड़ी जैसे जंगल में सूखे पेड़ होते हैं ना, उनसे बनते हैं ये सूखे पेड़, नहीं जो गिले हुए होते हैं, ठीक है? ठीक, कच्चे सूखे पेड़। बोल, आपको इसको बनाने में कितना खर्चा होगा? करीबन आ जाता है 700-800 रुपए का खर्चा एक पटखाट बनाने में। ये पटखाट बना रहे हो, उसको कितना समय लगता है बनाने? पूरा दिन लग जाता है ये पटखाट बनाने में, पूरा दिन लग जाता है। क्या क्या किन किन औजारों का प्रयोग करते हैं बनाने में? इन पे किन किन औजारों का प्रयोग करते हैं? इन पे लगती है हथौड़ी, आरी, रंदा, बस यही लगती लगते हैं। ये सारे यहाँ पे रखे हुए हैं? हाँ, बस सभी देखो, कटा रोटा पीस कर जो भी चाहिए।